हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपको बताएंगे बड़े प्लांट में, मतलब 8-10 साल के प्लांट में नूचिंग कर सकते हैं। और नूचिंग किस तरह से करते हैं, बड़े प्लांट में किस तरह से नूचिंग करनी है, और फिर चाकू वाली नूचिंग होंगी नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वो बताते हैं आपको किस तरह से नूचिंग करनी है आपको बड़े प्लांट में। चलो रिजल्ट भी दिखाते हैं और बताते हैं किस तरह से। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे, जैसे जिस प्लांट में आप कलम करते हो ना, देखो ये है फेंजम गाला की कलम की हुई है। इसी साल प्लांट आए थे बाहर से अपने कज़न के, तो उनसे स्टिक लेके हमने इसमें ग्राफ्टिंग की थी। इसी साल की ग्राफ्टिंग अभी की हुई है थोड़े टाइम पहले की। तो इसमें ग्रोथ भी अच्छी निकल रही है। देखो आप, अभी इसको उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन 15-20 दिन हुए होंगे इसमें ग्राफ्ट करके। तो इस तरह की कुछ आपको नोचिंग बताएंगे इन पेड़ों में। जैसे ये पेड़ होते हैं, देखो आपका ये पोर्शन जैसे आप देख सकते हो खाली है पूरा इस साइड का। इस साइड कोई ब्रांच नहीं थी इस प्लांट में, तो हम इसमें ब्रांच निकालेंगे जिसमें हम नेक्स्ट ईयर और ग्राफ्टिंग कर पाए और उसकी वो ब्रांच थोड़ी मोटी हो जाए। तो हम वो दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको नोचिंग करनी है इन बड़े प्लांट में, और उसके रिजल्ट भी दिखाते हैं। हमने की हुई है इसमें भी, इसमें आपको रिजल्ट दिखाते हैं। इसमें एक भी आइज कहीं से निकली नहीं थी, हमने वही नोचिंग करके इसमें आइज निकाली है, वो दिखाते हैं आपको। तो ये है फेंजम गाला का, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको नोचिंग करनी है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, ये हमने किया है आरी से। आरी होती है जो सेब काटने वाली, उससे हमने ये नोचिंग की थी। एक कट यूं करके आपने करना है इस तरह से, एकदम से आपने आरी से मार देना है इस पे, और यहाँ से आइज फट जाएगी। जो आपकी स्लिपिंग आइज है, जो बिल्कुल बंद है यहाँ पे आइज, वो निकल जाएगी। बट इस साइड कोई आइज नहीं निकली, और इस साइड हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे आइज निकल गई है। यहाँ पे भी हमने आरी से ही इस तरह से एकदम से इस तरह से कट मारा है इसमें, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रांच निकल जाएगी यहाँ से अब। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी कट मारा, यहाँ से भी कोई आइज अभी तक निकली नहीं है, शायद निकले भी ना, ये भी आप ध्यान रखें। जो आपका ये इस तरह से यहाँ बना होता है आइज का, जहाँ आपने कट मारा होता है पहले ही साफ ही इसको बिल्कुल जड़ से हटाया होता है टहनों को, उस टहने के ऊपर ही आपने इस तरह से कट मारना है, और यहाँ से आपकी आइज निकल जाएगी जैसे यहाँ पर निकली है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से आपका एक आइज चल पड़ी है। हमने यहाँ पे नोचिंग की थी आरी से इस तरह से कट मारना, जैसे आरी, जैसे आपका ये वाली जगह ये वाली चीज़ है, तो यहाँ पे आरी इस तरह से लगाई और एकदम से इस तरह से कट मार दिया इसमें एक बारी, सिर्फ एक बारी। तो आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ कोई आइज नहीं निकले अभी तक, शायद यहाँ निकले भी ना, मतलब 10 में से 4-5 में निकल जाती है। जहाँ पे आइज निकलने की थोड़ी संभावना ज़्यादा होती है वहाँ से ज़्यादा निकल जाती है आइज़। जैसे यहाँ पे से निकल गई है, यहाँ से निकल गई है यहाँ, क्योंकि हो गया आइज थोड़ी सी, नहीं तो हम जड़ से काट देते हैं। जैसे ये काटा तो अब यहाँ से कोई आइज ही नहीं निकल रही, और यहाँ पे हमने कट भी, यहाँ से भी हमने जड़ से टहना हटाया था। उस टाइम ज़्यादा ये ही थे हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, जो वो कटिंग करते थे ऐसे बिल्कुल जड़ से ही टहने को उखाड़ देते थे, तो उस वजह से यहाँ से अब निकलती भी नहीं है ब्रांचेज। तो यहाँ देख सकते हो अब, मैंने यहाँ पे आरी से इस पे भी कट मारा हुआ है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, इस तरह से मैंने यहाँ पे भी कट किया हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ से आइस निकल गई, क्योंकि यहाँ पे आइस होगी शायद अंदर दबी हुई, जो यहाँ से कट मार के सैप ऊपर नहीं चढ़ता, तो सैप जो नीचे से इधर से ऊपर को चढ़ेगा वो यहाँ से सीधा बाहर को फट जाएगा, और ये आइस फट जाएगी बाहर को निकल जाएगी, उसकी ब्रांच बन जाएगी, और नेक्स्ट ईयर यहाँ पे भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। जैसे ये पोर्शन पूरा इस साइड का पोर्शन इस प्लांट का खाली है बिल्कुल, और यहाँ से हमने ब्रांच निकाल दी है, ठीक है। और एक ब्रांच हमने यहाँ से भी निकाल दी है, देख सकते हो आप, हल्की सी निकल गई है, ये देख सकते हो बिल्कुल हल्का सा निकल चुका है यहाँ से। इस तरह से आपको कट मारना है, यहाँ देखो, यहाँ भी कट मारा था, और यहाँ देखो, ये देखो, ये वाली चीज, ये आइज यहाँ से और निकल चुकी है। यहाँ से अब ये ब्रांच भी आ जाएगी, इस पर भी ग्राफ्टिंग होगी, फिर नेक्स्ट ईयर इस पर भी, और प्लांट पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे भी कट मारा था, और यहाँ निकली नहीं, यहाँ पे निकली नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये टहने तो हमने इसलिए खड़े किए इसके चारों चार, क्योंकि ग्राफ्टिंग की ना चिड़िया चुड़िया बैठ जाएगी इसके ऊपर चिड़िया बैठ जाएगी, तो ये टूट भी सकता है, इसीलिए हमने इस पर यहाँ डंडे खड़े किए, ताकि ऊपर ऊपर बैठे चिड़िया और इस पर ना बैठे, कहीं तोड़ ना दे इसको,
जो नई ग्रोथ निकलती है कलमों में, तो इस तरह से आपको नर्चिंग करनी है बड़े प्लांटों में, जो आपके 8-10 साल के प्लांट है, 15 साल के प्लांट निकल जाती है, जो इस तरह के होते हैं आपके। मैं आपको दूसरे प्लांट में दिखाता हूँ किस तरह से और किस चीज़ पे आप इसको आरी से इस तरह कट मार सकते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं चाहिए मार को, ये तो बहुत बढ़िया प्लांट बना है बड़ा। तो जैसे ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे शायद टहना होगा, जो हमने यहाँ से बिल्कुल नज़दीक से काट दिया ये वाला, ठीक है। अब इस पे आप यहाँ अगर नोचिंग करते हो, इसके ऊपर यहाँ से आरी से इस तरह कट मारते हो हल्का सा एक बारी में, तो इसमें के अंदर कोई ना कोई आइज निकल जाएगी आपकी, ठीक है। और मारना होगा आपको 5-6 जगह मारना होगा, जैसे यहाँ पे मार दिया एक आपने यहाँ पे मार दिया, एक आपने यहाँ पे मार दिया। एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने नीचे ज़रूरत नहीं है टहने निकालने की, घुटने से ऊपर से ही टहने होने चाहिए, ठीक है। और ये भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ यहाँ आपने कट मार दिया तो यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे कट मारोगे यहाँ भी निकल सकता है। कुछ पक्का नहीं कह सकते निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मगर 5-10 में 1-2 निकल जाते हैं, 1-2, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे कट मारोगे तो यहाँ से ब्रांच आ सकती है, यहाँ से ब्रांच आ सकती है, यहाँ कट मारोगे यहाँ से ब्रांच आ सकती है, ठीक है। इस तरह से इस जगह पे आपको कट करना है आरी से, तो आपकी ब्रांच निकल जाएंगी। जैसे इस प्लांट में आपको मैंने दिखाया था, जैसे ये वाला प्लांट है आप देख सकते हो, जैसे इस प्लांट में निकल गई यहाँ से एक बारी आरी से कट मार के निकल गई है यहाँ पे आइज, और हमारे को यहाँ पे अब अगली नेक्स्ट ईयर ग्राफ्टिंग होगी, और यहाँ पे भी निकल रही है यहाँ पे हल्की सी, तो ये 2 जगह निकल गई। इसमें मारा था मैंने 1-2-3-4-5-6 जगह मारा था मैंने इसमें कट, और यहाँ पे एक यहाँ निकली और एक यहाँ निकली, 2 जगह निकली सिर्फ इसमें 6 जगह में, तो बहुत बढ़िया है। इतने भी काफ़ी है, यहाँ से अब फिलअप हो जाएगा इस साइड का प्लांट पूरा, फिर बच्चा इस साइड को, इस साइड भी देखे कुछ नेक्स्ट ईयर क्या होता है। कई पेड़ खाली हो गए आपके, तो आप ट्राई करके देख लेना 1-2 पेड़ में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, जो लोग भी नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।